हेलो दोस्तों, आज हम निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट। M25 का रेशियो होता है 1 सीमेंट, 1 सैंड, 2 एग्रीगेट। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सम ऑफ रेशियो, 1+1+2 हमारा आ गया 4 सम ऑफ रेशियो। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट 1.54 to 1.57 लेते हैं, इस लिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि हमें सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में निकालना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इन टू 1.57, एग्रीगेट रेशियो 2 बाय सम ऑफ रेशियो 4 इन टू 1.57, हमारा आएगा 0.785 m³। वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर इक्वल टू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इन टू 1.57, सैंड रेशियो 1 बाय सम ऑफ रेशियो 4 इंटू 1.57, हमारा आ गया 0.3925 m³। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57, हमारा आ गया सीमेंट रेशियो 1 बाय सम ऑफ रेशियो 4 इंटू 1.57, हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया 0.3925 m³। अब हम इसे वेट में कन्वर्ट करेंगे, वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट, हमारा आएगा 0.3925 × 1440, हमारा आएगा 565। वेट ऑफ सीमेंट आ गया हमारा 565। अब हम जानते हैं 1 बैग सीमेंट का वेट 50 kg होता है। अब हम 565 को 50 से डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा, तो हमारा आ गया 11.30। M25 ग्रेड कंक्रीट का यूज करेंगे हम अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क में, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट लगेगा 0.785 m³, सैंड लगेगा 0.3925 m³ और सीमेंट बैग लगेगा 11 बैग।